हेलो भाई, मैं ऋषभ सिसोदिया। तो भाई ये अपनी क्रेटा। तो भाई आज हम कोई कार के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे क्रेटा के साथ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस करने को मिल रही है भैया को। तो मैं आपको ओनर से मिलवाता हूँ, तो मेरे साथ है गाड़ी को ना अजय पटेल। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू चैनल। धन्यवाद भाई। तो अजय भाई, वैसे इसका बिहाइंड द सीन क्या था? जैसे आपने बोला चूहे वगैरह आ गया था। ये ऋषभ भाई सीन ये था, मैं गया था भोपाल 4-5 दिन की ट्रिप के लिए। हाँ, वो मेरी फ्रेंड के कार से गया था। हाँ, तो 4-5 दिन के ट्रिप करके आया मैं। उसके 2-3 दिन बाद आया मेरे को कार। हाँ, वॉश करवानी थी। हाँ, तो अंदर से भी करवानी थी। हाँ, आपने सोचा कि गाड़ी वगैरह चेक कर लिया, बहुत दिन हो गए। तो मैंने गाड़ी चेक करी तो सीट उसकी फटी थी। हाँ, तो मैंने चेक करा बुड में जाके। हाँ, बुड को ऊपर। हाँ, और स्टेपनी में देखा तो 4-5 चूहे बैठे। हाँ, चूहे। हाँ, तो चूहे बैठे तो मैंने सोचा यहाँ पे निकालूंगा। हाँ, कि मतलब चेक कर लिया कितने कुछ है। हाँ, यहाँ पे चूहे निकालूंगा, वापिस चूहे आ जाएंगे। हाँ, तो मैं इसको लेके घर गया। हाँ, और घर 3-4 चूहे निकाल लिए और उसमें एक चूहा बच गया था जो सीट के नीचे की तरफ घुस गया था। हाँ भाई मैं शोरूम गया। हाँ, शोरूम पे उन्होंने चेक करा। हाँ, पर चूहे उनको नहीं मिले। हाँ, तो उन्होंने ये सॉल्यूशन बताया कि इसको घाम में खड़ी कर सकते हो और वहां इसमें पे खड़ी मत फिनाइल, करना जहाँ पे चूहे थे वो तो। फिनाइल डाल सकते हो उसमें और बहुत सारी चीजें उनने बताई है। तो फिर आपको उसके बाद कुछ सॉल्यूशन मिला? जैसे आप उन्होंने बोला घर पे रख लेना और फिनाइल वगैरह डाल देना, उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन मिला था उस चीज का? सॉल्यूशन तो मिला था पर ऐसा लगता नहीं है कि अभी तक गए हुए हैं चूहे। पर उसमें तब ये मतलब बदबू, आपको? उसमें बदबू बहुत भयंकर आ रही है। हाँ, तो मैं मतलब फिर तो वो मर गया होगा, शायद बदबू आ रही है। तो शायद मर गया पर मिल नहीं रहा है वो कंफर्म नहीं कहाँ। है आपको कि मरा है कि नहीं। जी, उसे क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी? वैसे चूहे वगैरह आ गए थे तो। चूहे से मेरी पहली बात तो ये है, उसमें सीट फाड़ दी थी। आइए आपको दिखाता बताओ। हूँ, ये देख सकते हो मेरी सीट बिल्कुल फाड़ दी गई है। तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं इसका? तो अपन वो गारंटी वारंटी है तो बदले आएगा। और क्या था? देखिए आइए, ये पीछे से भी ये फाड़ दिए गए हैं। हाँ, बहुत बड़ी है प्रॉब्लम। उसके बाद ऐसे बदबू आ रही कार में। देखिए, हमने इसमें फिनाइल की गोली और ये सब करके रखा है चूहे के तो लिए। फिर आपको मिला था चूहा? नहीं, चूहा तो नहीं मिला भाई। मतलब कार की हालत तो बहुत गंदी कर दी है, फिनाइल फिनाइल की बदबू आ रही पूरी। इसमें यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कर सकते हो। तो भाई वैसे आपने बता रहे थे कि आपने ट्रेवल किया था 40-50 किलोमीटर का, तो उसमें आपका हाल बेहाल हो गया था। जी बिल्कुल, मैंने 40 किलोमीटर गया था मेरे फ्रेंड के साथ। हाँ, और इसमें मैं रह नहीं सकता था, ऐसी बदबू आ रही थी भाई। मतलब हालत खराब हो गई हो आपकी तो। हालत खराब हो चुकी थी और आपको इसमें ब्रेक का भी नुकसान इशू था। हाँ, तो उसका क्या था मतलब कारण जो आपने बोला ब्रेक का? ब्रेक का ये कारण था कि चूहे घुस गए थे वायरिंग। हाँ हाँ, वायरिंग वगैरह की छेड़खानी कर सकते फिर तो वो। हाँ, वही मतलब वायरिंग वायरिंग भी काट सकते हैं वो। हाँ, तो आपके साथ हुआ था ऐसे ब्रेक वगैरह फेल हो गया? तो मेरे साथ हुआ तो नहीं है पर। हाँ, मतलब मैं 2-3 दिन लेट और आता गया। हाँ, तो फिर तो ब्रेक फेल होने के चांसेस थे। गाड़ी कर दे तो वो। हाँ, वो तो। वैसे आपको इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या लगी आपको? मतलब फ्यूचर में कुछ सोचा कि भाई गाड़ी के साथ अब इतनी कुछ हो गया तो क्या करना चाहिए? से भागे कि नहीं चूहे वगैरह? देखिए ऋषभ भाई, पहली बात तो ये, मैं इसको गैराज में 5 दिन के लिए खड़ी नहीं करूंगा। हाँ, इसको घर ले जाऊंगा, 5 दिन घर खड़ी करूंगा। और दूसरी बात ये कि इसको मैं ओपन गेट। हाँ, मतलब बदबू वगैरह निकल जाए और चूहे वगैरह। फिर वॉशिंग करवाऊंगा इसकी, अंदर से भी क्लीन करवाऊंगा। हाँ, तो इसमें तो आप मतलब किसी से वो कर लेना डिस्कशन वगैरह, भाई क्या करना चाहिए आगे थोड़ी सलाह। हाँ, वही शोरूम पे डिस्कशन भी करूंगा, उसमें क्या क्या करवानी चाहिए आगे, क्या होगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप है ना गैराज में गाड़ी खड़ी करते हो। हाँ, तो उसको रोज चेक कर लेनी चाहिए। हाँ, कि मतलब चूहे वगैरह इसमें कुछ भी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कभी इस गाड़ी का ब्रेक वायर का भी चूहे वगैरह काट देते, भगवान ना करे, मतलब आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। इसलिए अपनी गाड़ी को रेगुलर चेक करें। चेक करना चाहिए आपको। और कुछ भाई आपको मतलब गाड़ी से प्रॉब्लम लगी है, चूहे वगैरह आ गए थे तो? प्रॉब्लम तो एक ही है, बदबू की। बदबू की चूहा मिला नहीं है अभी तक। तो आपको कंफर्म नहीं है कि अभी चूहा गया या नहीं? नहीं, कंफर्म नहीं है। उसमें चूहा है पर अभी मर गया है कहीं पे, मतलब मिल नहीं रहा है वो। मतलब आपको प्रॉब्लम लगी, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई ये था क्रेटा के साथ मेजर इशू। तो भाई अगर आप क्रेटा नहीं मतलब कोई सी भी गाड़ी आप ओन कर रहे हो, तो भाई अपनी गाड़ी अगर आप गैराज में खड़े करो और वहाँ पे कुछ भी अनाज वगैरह पड़ा हो, तो आप अपनी गाड़ी को रेगुलर चेक करें वायरिंग वगैरह। तो आपसे
वैसे भैया के साथ कुछ मेजर हुआ तो नहीं, पर अगर ब्रेक वायर कट जाता तो मेजर इशू था। तो भाई मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि अपनी गाड़ी वगैरह रेगुलर चेक करें, यहाँ पे अनाज वगैरह पड़ा और वहाँ पे गाड़ी खड़ी ना करे तो अच्छी बात है। तो भाई बस यही था इस वीडियो के लिए, मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना इस बात को शेयर किया जाए। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।